हेलो बच्चों कैसे हो आप सब बच्चों आज आपका सेकंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पढ़े थे पहले आपने रूल समझे देन उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट लेक्चर आपका ये था आज मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आऊँ बेटा जिसमें बेसिकली जो एक्सरसाइज uh, वन है ना इसका संबंध आपके प्रीवियस क्लास से भी है जो आपने एट्थ नाइन्थ और में पढ़े होंगे तो उसका रिलेशन यहाँ भी है सो एज यूजअल पहले मैं आपको रूल समझाऊंगा पहले रूल को बहुत छिलो के समझना अच्छे से बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके पहले रूल समझो देन उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे ठीक है तो पहले रूल समझिए उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं तो सबसे पहला रूल बेटा जो आपको पता है हर बार मैं पहले रूल बताता हूं तो रूल फर्स्ट रूल फर्स्ट का नाम है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इसे आप हिंदी में लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड और ये बहुत छोटी क्लास से आपने सीखा है तो इसमें मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगी क्या होते प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद दिला जैसे टेन, टेन के फैक्टर फिर दो याद आ गया तो टेन के फैक्टर क्या हुआ टू इंटू फाइव याद आ गया होगा आपको सिंपल इसे बोलते बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलते उसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ऐसे ही मुझे मान लो आपको करना है थर्टी के फैक्टर तो क्या करूंगा टू से करूंगा तो यह फिफ्टीन फिर थ्री से करूंगा तो फाइव या आ गया फाइव और ये वन सो थर्टी के फैक्टर में क्या आया टू इंटू थ्री इंटू फाइव ऐसी करते थे ना

कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपने रूल समझ लिया आप क्वेश्चन की बारी है देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज टू का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किस किस का पहले मैं लिख लेता हूं अभाज्य गुणनखंड आपको करना है अभाज्य गुणनखंड में उसे एक्सप्रेस करना है सबसे पहले 140 के फैक्टर करने हैं फिर वन फिफ्टी सिक्स के फैक्टर करने हैं फिर थ्री एट टू फाइव के फैक्टर करने हैं फिर आपको जी फैक्टर करने, है, 5005 के करने है, और फिर आपको फैक्टर करने सेवन जी 7429। इन पांचों का बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है स्टार्ट करूँ आप सबको आता होगा आप भी खुद भी कर सकते हो तो सबसे पहले पहला पार्ट वन का फैक्टर करोगे टू से करोगे तो क्या गया आप सेवेंटी आ जाएगा फिर टू से करोगे थर्टी आ जाएगा फिर आप फाइव से करोगे सेवन आ जाएगा और सेवन बन जाए सेवन होता है तो 140 सौ के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अब इसको लिख लो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो टू टू कितनी बार आया टू टाइम्स आया तो टू का स्क्वायर ऐसे लिखना है टू दो बार आया तो टू का स्क्वायर लिखेंगे फाइव सिंगल है और सेवन भी सिंगल है तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है और अगर कोई चीज रिपीटेड हो होगी उसको पावर के फॉर्म में लिखना है ठीक है जी सेकंड पार्ट देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या है हमारा 156 तो 156 6 आ रहा है लास्ट में तो 2 से फैक्टर होगा 6 है इवन नंबर है ना तो 2 से फैक्टर हो जाएगा तो 2 सेवन या फोर्टीन एक चला गया तो ए, कैरी हो गया तो ये 16 8 आ जाएगा फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा फिर ये 9 आ जाएगा फिर 3 से करोगे तो 3 वन जाओ थ्री थ्री या नाइन और 13 केवल 13 से फैक्टर होता है तो 13 वन जा थर्टीन होता है सो so, आपने 156 के फैक्टर के लिए क्या क्या है 156 के फैक्टर में 156 के फैक्टर में आया जी टू तो आया टू टाइम्स एक थ्री आ गया और एक थर्टीन आ गया ठीक है बेटा? तो टू अब देखो, लास्ट में आ रहा है, तो से फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये है। लास्ट में होता है तो टू से फैक्टर नहीं होता छोटी क्लास में, में पढ़ा था नहीं पता था अब भी जान लीजिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए टू के लिए नहीं है ना तो टू से नहीं होगा तो फिर थ्री से चेक करते हैं थ्री से क्या चेक करते हैं इन सभी नंबरों को बेटा प्लस करके देखो थ्री और एट इलेवन और टू थर्टीन थर्टीन और फाइव एटीन एटीन थ्री के टेल में आता है थर्टी तो जो एटीन अगर थ्री के टेल में आता है तो ये थ्री से फैक्टर हो जाएगा तो थ्री थ्री आ गया थ्री टू जा सिक्स फिर ये सेवन जाएगा और ये फाइव आ गया ठीक है जी अब फिर एक बार चेक कर लो वन और टू थ्री थ्री और सेवन कितना होता है टेन टेन और फाइव फिफ्टीन फिर से फिफ्टीन आ गया थ्री के टेल में आता है तो आप थ्री से फैक्टर कर सकते हो थ्री फोर सा ट्वेल्व फिर आपका टू आ जाएगा और थ्री टू झा सिक्स और ये फाइव आ गया ठीक है जी एक बार और चेक कर लो फोर और टू सिक्स सिक्स और फाइव इलेवन अब ये इलेवन हो गया इट मीन्स ये थ्री से नहीं जाएगा फोर से भी नहीं जा सकता क्योंकि इवन नहीं है लास्ट में तो अब फाइव की बारी है फाइव से चला जाएगा तो फाइव से करते हैं फाइव एट जा, ठीक है फिर टू बच गया तो एट्टी फाइव आ गया अब एट्टी फाइव लास्ट में फाइव आ रहा है तो फिर से फाइव से जाएगा तो फाइव बन जा और फिर ये सेवन आ गया फिर आप किससे करोगे सेवनटीन से करोगे सेवनटीन तो बच्चों three, eight, two, के जब हमने फैक्टर करे तो बताओ थ्री कितनी आया, आया, तो लिखेंगे ऐसे लिखना है ये तरीका है लिखने का इस तरीके से लिखना है बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड में मार्ग में ऐसे लिखा हुआ है आएगा एक नंबर में तो, तो इस तरीके से आपको लिखना है क्लियर हो गया तो ये तीन पार्ट हो गए पहले तीन पार्ट नोट कर लो जल्दी से अब मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूं तीन पार्ट नोट कर लिया आपने देखिए फोर्थ पार्ट अब मैं फोर्थ पार्थ पार्थ आता हूं। ये सब हटा देता हूं यही दे था, था। सबसे पहले लास्ट में तो टू से तो नहीं जाएगा लास्ट में फाइव आ रहा है तो टू से नहीं जाएगा फाइव और फाइव टेन तो थ्री से भी नहीं जाएगा तो अगला नंबर हम फाइव देखेंगे तो फाइव से जा सकता है ये बन जा, जीरो जीरो बन जाए जी? तो फाइव से भी नहीं जाएगा तो के अगला क्या सेवन, सिक्स नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर सेवन बन जा करूंगा तो थ्री बचेगा ये थर्टी हो जाएगा तो ट्वेंटी एट यहां से टू बचेगा और ये ट्वेंटी वन हो जाएगा सेवन से कट जाएगा तो सेवन से करो तो सेवन बन जा सेवन ठीक है थर्टी हो गया सेवन फोर जा ट्वेंटी एट यहां से टू बचा तू यहाँ पे ट्वेंटी वन तो और सेवन थ्री जा वन फोर्टी थ्री हो गया अब ये 7 से भी नहीं जाएगा जा एट से, से चेक करने की चेक करो इलेवन बन जाए थ्री बच गया थर्टी थ्री कट जाएगा इलेवन से तो इलेवन बन जाए यहां से कितना बचा थ्री बचा थर्टी थ्री हो गया तो इलेवन थ्री जान से आर्टीन तो बन जा फाइव जीरो जीरो फाइव के जब बेटा हमने फैक्टर करे तो फाइव एक सेवन एक इलेवन और एक थर्टीन क्लियर हो गया तो इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन आपका पहला रूल है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से अब आपका लास्ट आ गया लास्ट आपका है फिफ्थ पार्ट था सेवन फोर टू नाइन ये था अब देखिए इस क्वेश्चन की पहचान है लास्ट में ट्वेंटी नाइन है तो ये आपके लिए हिंट है कि ये किसी बड़े प्राइम नंबर से फैक्टर हो सकता है क्योंकि नाइन है तो टू से तो नहीं होगा अब आप ऐड करके देखो सेवन फोर कितना हो गया इलेवन इलेवन टू थर्टीन थर्टीन और नाइन ट्वेंटी टू यह थ्री से भी नहीं जाएगा फिर ये फोर से भी नहीं जाएगा ये फाइव से भी नहीं गया सिक्स से भी नहीं जाएगा क्योंकि थ्री से नहीं गया था टू से भी नहीं गया था अब ये सेवन से सेवन से एक बार चेक कर लो सेवन बन जा फिर जीरो हो जाएगा सेवन से कट जाएगा बट ये बच जाएगा तो सेवन से भी नहीं जाएगा एट से चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टू से नहीं गया था नाइन से भी मत चेक करो क्योंकि थ्री से नहीं गया था टेन से तो जाएगा नहीं इलेवन से चेक करके देखो इलेवन इलेवन से करोगे सिक्सटी सिक्स बचेगा बच ठीक है सिक्सटी सिक्स चला गया फिर सिक्सटी सिक्स जाने के बाद आपके पास कितना बचा एट एट्टी टू हो गया तो सेवनटी सेवन आ जाएगा इलेवन के टेबल में तो यहां से आपका बच जाएगा फाइव फिफ्टी नाइन आखिर इलेवन से भी नहीं जाएगा तो ये किसी प्राइम नंबर से जाएगा तो अब तक तो हमने चेक कर लिया तो किसी बड़े प्राइम नंबर के बारे में चेक करो तो आप चेक करोगे जा फिर आपका याद आएगा थ्री और फिर कैरी गया तो ये 17, 7 जा। तो ये आ गया फोर थर्टी सेवन हो गया सेवनटीन से फैक्टर करने के बाद अब सेवनटीन से फैक्टर हो गया 70 से बाद दोबारा चेक कर लो सेवन टूजा हो गया थर्टी फोर और को, 17 से भी नहीं गया तो अगला उसके बाद नंबर क्या है 19, 19 से चेक करके देखो तो 19, एक तो एट आ गया थर्टी एट के बाद आपका ये बचेगा आ ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर है तो ट्वेंटी थ्री से जाएगा ट्वेंटी जा, तो थ्री होते हैं इस टाइप के ये ध्यान रखना इस टाइप के एग्जाम में आते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं तो अगर प्राइम नंबर है तो आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में ही सोचना पड़ेगा अभाज्य संख्या के फॉर्म में सोचना पड़ेगा ताकि ये जो नंबर आए वो बड़े नंबर के फॉर्म में आ सकता है तो सेवन फोर टू नाइन के हमने फैक्टर करे क्या क्या आया सेवनटीन आया नाइनटीन आया और ट्वेंटी थ्री आया तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए ठीक है बेटा ये थे पहले के पांच पार्ट तो इस टाइप का याद रखिए ये तो सिर्फ ये पांच क्वेश्चन है इसका ये मतलब नहीं कि पांच ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए

तो हम इस कैपेबल हो बेटा कि उन क्वेश्चनों को भी कर पाए तो इसके लिए पहले रूल समझना है ताकि एनसीआरटी तो हम कर ही लेंगे बट अदर बुक के जो क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट वगैरह जो मैं आपको दूंगा मैं दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी आप आप कैपेबल हो करने के लिए तो पहले देखिए एलसीएम और एससीएफ कैसे फाइंड करते हैं फिर मैं एनसीआरटी पे आता हूं देखो बेटा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म याद रखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रहेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाइस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको से समझाता हूं मान लो बेटा कि हमें 15 और ट्वेंटी दो नंबर दिए हुए हैं और हमें इनका एलसीएम और एस फाइंड करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूं पहले 15 के फैक्टर कर लो थ्री और फाइव आ गया तो 15 के फैक्टर में आया थ्री इंटू फाइव बहुत इजी तरीके से बेस्ट मेथड से तो सीखना है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए एक बार में 20 के फैक्टर करो तो 20 के फैक्टर करो तो टू टेन आ गया फिर टू करोगे फाइव आएगा फाइव बन जा फाइव हो गया तो ट्वेंटी के फैक्टर में आया टू तो आया टू टाइम्स और मल्टीप्लाई में फाइव आया ठीक है बेटा तो पहले हमें फैक्टर कर लेना है दोनों के फैक्टर कर लिए और बिल्कुल एक एक के नीचे लिखना है इधर उधर मत भटकना सबसे पहले निकालोगे एस सी एफ बेटा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में हो या जो सब में हो कॉमन का मतलब यही होता है तो बताओ इन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है सर जी फाइव है तो फाइव जो होगा वो आपका एस होगा क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसमें आता है कॉमन फैक्टर तो कॉमन फैक्टर फाइव है अगर कोई और भी होता तो मल्टीप्लाई में और नंबर आ जाते तो सबसे पहले आप एस निकालना यही सबसे अच्छा तरीका है एल्सियम मत निकालना पहले कभी पहले आपको क्या निकालना है एस सी पहले एस सी निकाल लो अब इससे क्या फायदा होगा देखो एलसीएम कितना आसान से निकलेगा एलसीएम निकालने का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझो पहले जो आपने एस सी निकाला ना पहले वो लिख लो जो पहले आपने आपनेससीएफ निकाला पहले वो लिख लो इसके अलावा जो नंबर आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो भी आपको लिख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहे हैं एक तो थ्री दिखाई दे, दे रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और एक टू का स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्लियर हो गया है? मैंने क्या बोला पहले निकालते हैं फिर एलसीएम के अंदर जो पहले एस सी एफ निकालता पहले वो फैक्टर लिखना है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो सब आपको लिख देना है क्लियर हो गया फाइव की थ्री से मल्टीप्लाई करोगे फिफ्टीन हो गया टू का स्क्वायर फोर होता है फिफ्टीन की मल्टीप्लाई फोर से करोगे तो ये सिक्सटी हो गया और ये आपका क्या आ गया एलसीएम क्लियर हो गया मैंने क्या बोला पहले आपको किसी भी नंबर का जो आपको दिया होगा पहले आपको उसके फैक्टर करने हैं मैं अभी दो डिजिट का बता रहा हूं फिर मैं आपको तीन डिजिट का भी सिखाऊंगा अभी ठीक है पहले दो डिजिट का सीख लो पहले फैक्टर कर लेंगे फैक्टर करके से लिख लेंगे पहले आप हमेशा निकालोगे एस सी में क्या करेंगे जो कॉमन होगा पहले वो लिखेंगे तो कॉमन क्या है फाइव है ना एस कॉमन फैक्टर देखो आ रहा है ना कॉमन फैक्टर तो जो पहले कॉमन है पहले वो लिखेंगे एससीएफ हो गया एलसीएम में पहले जो एस था पहले वो लिख लो और इनके अलावा जितने भी नंबर आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं वो सब भी लिख दो जैसे हो गया थ्री का टू का स्क्वायर हो गया ये सब हो गया इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एलसीएम तो पहले एफ निकलता है फिर एलसीएम निकलता है क्लियर हो गया रूल इसी रूल के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं तो ये एक रूल था अब देखिए रूल नंबर थ्री पहले रूल समझ लो और कॉपी में से लिखते जाना रूल को पहले कॉपी में लिखते जाना एलसीएम और एस का बच्चों एक रिलेशन होता है एक संबंध होता है क्या संबंध होता है रिलेशन ये होता है ए इंटू बी इक्वल टू एस सी एफ ये एक रूल होता है ये एक एस और एल के बीच का रिलेशन है संबंध है ए इंटू बी ए इंटू बी का मतलब ए का मतलब पहला नंबर जिसके हम एल सी एम फाइंड कर रहे हैं और बी का मतलब दूसरा नंबर ए का मतलब पहला नंबर जैसे पहला नंबर क्या था फिफ्टीन और बी का मतलब सेकेंड नंबर जो कि था ट्वेंटी वो इक्वल होगा किसके एस सी एफ इंटू ये है अगर दो नंबर जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है जैसे पंद्रह और बीस कर दू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दू और उनके एस सी एफ एलसीएम की भी मल्टीप्लाई कर दू तो दोनों इक्वल आना चाहिए ऐसे कैसे आ जाओ देख लो ए क्या था आपका फिफ्टीन था बी आपका कितना था ट्वेंटी था यही था ना फिफ्टीन और बी ट्वेंटी तो और जी एलसी कितना निकाला था एलसीम आपने सिक्सटी निकाला था ठीक है जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया थ्री हंड्रेड और इसकी मल्टीप्लाई करो ये देखो थ्री हंड्रेड वायन य रिलेशन तो ये रिलेशन होता है दो नंबरों के बीच का रिलेशन एलसीएम एस के बीच का रिलेशन कि अगर उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जाए और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो दोनों हमेशा इक्वल आएंगे क्लियर हो गया तो पहले आप ये रूल ये सिर्फ रूल है रूल क्यों आपको बता चुका हूं पहले रूल नोट करो फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं पहले रूल नोट कर लो बेटा पहले आपने रूल समझा अब इस रूल के बेस पे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर आप कर सकते हो ठीक है तो अप्लाई करते हैं रूल को जो अभी भी आपने रूल सिखाया था बेटा फाइन पहले आपको एलसीएम एस सी फाइन करना है एंड वेरीफाई डेट और ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब ए बी Product of, product of two numbers का मतलब है बेटा तो हमें SCM, और और में A into B है है भी करना तो तो पहले LCM, LCM निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे फिर ये प्रूफ करेंगे ठीक बेटा तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले पहले पहला पार्ट देखिए ट्वेंटी सिक्स के फैक्टर कर लो तो टू थर्टीन बचेगा थर्टीन के करोगे वन आ गया तो 26 के क्या है, 2 into 13, simple, ही करना है कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा

अब आप वेरीफाई भी तो करोगे क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई करो तो वेरीफाई करना पड़ेगा तो पहले हम निकालेंगे एस सी एफ एलसीएम एस सी एफ एलसीएम निकाल लिया अब आएगी वेरीफिकेशन तो यहां लिखोगे वेरीफिकेशन पैटर्न समझो सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है पहले फैक्टर करो फिर एस सी एफ एलसीएम निकालो फिर करो वेरीफिकेशन इसे हिंदी में आप लिख सकते हो सत्यापित सत्यापित यहां हम वेरीफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के मैंने आपको फॉर्मुला क्या बताया था वेरिफिकेशन का फॉर्मुला था एस सी एफ इन टू मर्जी आपकी ए इन टू बीधर लिख दो एस सी एल सीएम लिख दो कुछ भी लिख दो इक्वली आएगा दोनों साइड तो मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हो आप एस सी एफ एस सी एफ बताओ एस सी एफ कितना आया था थर्टीन आया था और एलसीएम कितना आया था बेटा एलसीएम आया था हमारा वन एटी टू आया था ए कितना था पहले, पहले नंबर था ट्वेंटी सिक्स और सेकंड नंबर जो था हमारा वो था 91 था ठीक है बेटा तो 13 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 182 से तो मल्टीप्लाई करो सिक्स आएगा, आएगा फिर सिक्स आएगा ये थ्री आ गया और ये आपका टू आ गया टू थ्री सिक्स इधर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है टू थ्री सिक्स सिक्स ही आएगा क्योंकि हमें पता है अगर आपने आंसर सही करा है तो दोनों साइड इक्वल आएगा सही में आ गया तो पहले फैक्टर स्टेप याद रखो पहले फैक्टर देन एसियम फिर एलसीएम उसके बाद वेरिफिकेशन फॉर्मूला एस सी एफ की वैल्यू की वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई कर दो पहला पार्ट सिखा रहा हूं ठीक है? देखो Second part. Second part क्या हमारा जी एक तो है हमारा 510 और एक है 92 तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं 10 है लास्ट में जीरो है तो टू से फैक्टर हो जाएगा टू टू या फोर वन कैरी करोगे पांच एगम पांच और ये पांच सत्ते पैतीस सत्रह से करोगे वन आ जाएगा अब आपने पांच सौ दस के फैक्टर करे बताओ क्या टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन ये फैक्टर हो गए 92 के करो, टू से करोगे टू फोर ये सिक्स आ जाएगा टू से करो ट्वेंटी थ्री आ जाएगा ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी तो क्या आया बेटा टू आया टू टाइम्स और ट्वेंटी थ्री है ना दो दो बार आया और ट्वेंटी थ्री यही आया तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा पहले मैं निकालूंगा एस सी एफ तो एस सी एफ क्या होता है जी अभी क्या होता है समझिए बात यही खेल शुरू होता है और ये खेल समझ लिया तो खिलाड़ी बन जाओगे यही खेल समझना है कॉमन आ गया <coughs> ये कॉमन है इन दोनों में बताओ इन दोनों में छोटा कौन है एक टू छोटा है टू का स्क्वायर छोटा है टू छोटा है ध्यान रखें कॉमन तो देखना ही है उसके अलावा हमें यह भी देखना है कि इनमें से छोटा कौन है तो जो इनमें से छोटा है वो आएगा क्लियर हो गया <coughs> अब हमें क्या निकालना है एल्सियम पहले जो कॉमन है उनमें से जो छोटा है कॉमन और छोटा तो कॉमन टू है और छोटा भी टू है तो ये आ गया अब एलसीएम में क्या बताया था एल्सियम कॉमन और जो बड़ा हो तो टू का स्क्वायर एलसीएम में जो कॉमन हो और बड़ा हो वो आएगा और जो बच गया वो सब लिख दिए तो क्या बच गया थ्री बच गया फाइव बच गया थ्री फाइव सेवन बच गया ट्वेंटी थ्री बच गया ठीक है बेटा इन सब की मल्टीप्लाई करोगे टू का स्क्वायर फोर आ गया फिर थ्री ट्वेल्वी फिर सेवन से करोगे फिर आप ट्वेंटी थ्री से करोगे तो यह आएगा आपका टू थ्री फोर सिक्स जीरो तो पहले आपने क्या निकाला एस फिर क्या आपने निकाला एलसीएफ इस चीज का ध्यान रखना बेटा एस जो कॉमन हो बट छोटा हो एल जो कॉमन हो बट बड़ बड़ा हो याद रहेगा आपको बात अब वेरिफिकेशन सत्यापित बताओ वेरिफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मुला क्या सिखाया था फॉर्मुला सिखाया था जी एस सी एफ एस सी एफ इन टू एलसी यही सिखाया था वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं एस सी एफ इंटू बी यही फॉर्मला सिखाया था अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा तो बताओ बेटा क्या आया था आपका एस सी एफ टू आया था यही आया था और एलसीएम एलसीएम टू नो एलसीएम आपका आपका टू थ्री फोर सिक्स जीरो यही आया था ना ए बताओ ए क्या है ए है आपका पांच सौ दस है फाइव हंड्रेड टेन है और बी क्या बेटा नाइनटी टू है क्या करोगे इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ट्वेल्व वन बच गया नाइन ये सिक्स आ जाएगा और ये फोर आ जाएगा तो फोर सिक्स नाइन टू जीरो क्या आपने नोट कर लिया ये बात इक्वल टू में भी क्या आएगा फोर सिक्स नाइन टू जीरो आएगा क्या दोनों साइड इक्वल आ गए तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया क्लियर हो गया मैंने क्या करा अब भी वही करा मैंने पहले फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों के बेटा फैक्टर कर लिए पहले हमने एस सी एफ निकाला फिर हमने एलसीएफ निकाला एक चीज अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं याद रखना बेटा एस सी एफ जो कॉमन हो लेकिन छोटा हो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम कुछ और है काम कुछ और है नाम भले हाइस्ट हो लेकिन पावर छोटी लेनी है एस में जो कॉमन हो बट छोटा हो और एलसीएफ में जो कॉमन हो बट बड़ा हो अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता हूं अभी आप क्लियर हो जाएगा जी अभी क्लियर हो जाएगा आपको समझ में आया नहीं आया मान लीजिए मैं कहता हूं टू की पावर फोर और टू की पावर सेवन है अब मैं आपसे पूछता तो हूं एस क्या है तो एस है जी इनमें से जो छोटा है छोटा है टू की पावर फोर और एलसीएम अगर पूछू तो इनमें से जो एलसीएम होगा वो होगा टू की पावर सेवन क्लियर हो गया एस जो कॉमन हो बट छोटा हो ये याद रखना कॉमन 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 छोटा SCF, LCM, common, बड़ा। SCF, common, छोटा बड़ा हो बट बड़ा हो याद रहेगा आपको इस चीज का ध्यान रखना यही चीज हमने यहां पे अप्लाई करा फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन कर दी बेटा एलसीएम इंटू एलसी वैल्यू पुट कर दी दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया क्लियर हो गया ये था हमारा सेकंड पार्ट अब कौन सा पार्ट करेंगे बेटा थर्ड पार्ट करेंगे नोट कर लिया सबने अब बेटा हम थर्ड पार्ट पे आते हैं आज थर्ड पार्ट पे आओ बेटा थर्ड पार्ट बताओ बेटा थर्ड पार्ट क्या है हमारा थर्ड पार्ट है सर जी थ्री थ्री सिक्स और है जी फिफ्टी फोर तो पहले फैक्टर करना स्टार्ट कर दो मेरे से पहले फैक्टर करो आप जल्दी से टू से करो सिक्स आ रहा है वन सिक्स और ये एट टू से करो एट और फोर टू से करोगे फोर और टू टू से करोगे टू वन थ्री से करोगे सेवन सेवन से करोगे वन ये तो आपको बचपन से आता है ये तो करते आ रहे हो यार हैं तब बढ़िया आता है चलिए बताओ टू कितनी बार आया फोर टाइम्स आया और थ्री आया और जी सेवन आया ओके okay? पहला हो गया कोई दिक्कत तो नहीं भाई फिफ्टी फोर के फैक्टर करो बेटा टू से करो ट्वेंटी सेवन बचेगा थ्री से करोगे नाइन थ्री से बचोगे थ्री और थ्री से करोगे वन तो बेटा फिफ्टी के फैक्टर में आया टू इन टू थ्री आया तीन बार और बस यही आया जी और तो कुछ आया नहीं हाँ यही आ गया लिख दिया जी अब अब वही खेल जो अभी बताया था खेल याद है आपको कॉमन छोटा तो बताइए कॉमन ये रहा और इनमें से छोटा कौन है तो इनमें से छोटा है जो टू कॉमन अब बताओ इनमें से छोटा कौन है बेटा तू बता बेटा कौन, कौन हाँ वेरी गुड तो थ्री लिख देंगे तो बता बेटा क्या आएगा सिक्स आपको क्लियर हो गया बेटा शाबाश इतने सारे बच्चे बैठे हो अभी ऑनलाइन लगभग जी हमारे पास अभी बैठे हुए हैं जी एक हजार तीन सौ बत्तीस बच्चे बैठे हो जी दो बच्चे अब है घंटे से बेटा इतने सारे बच्चे बैठे हो क्लियर है सबको ओके हाँ बोल दिया करो कोई कोई दिक्कत हो बोल दिया करो भाई अपने हैं आपको बिल्कुल बताएंगे कोई परेशानी हो कमेंट कर देना मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बिल्कुल फ्रेंक होकर पढ़ना है मेरे से बिल्कुल टीचर का वो नहीं है समझना बिल्कुल भाई की तरह बिल्कुल दोस्त की तरह समझो कि सर जी जरा ये समझ में आया बता दो ये समझ में तो छो, common, छोटा, common, छोटा, आ गया बेटा ओके आगे बढ़ू तो टू बेटा देखिए कॉमन छोटा कॉमन छोटा सिक्स आ गया अब बताओ एलसीएम अब आप एलसीएम आप बताओगे बेटा मैं नहीं बताऊंगा एलसीएम एलसीएम आप बताओ कॉमन बड़ा तो ये ना बड़ा कॉमन बड़ा कॉमन हो बड़ा हो कॉमन हो बड़ा हो और क्या बच गया सेवन तो वो भी तो आएगा ना जो बच गया वो भी तो लिखोगे तो टू की मल्टीप्लाई चार बार करो तो ये सोलह आ जाएगा थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से करो ट्वेंटी सेवन आ जाएगा और सेवन की जगह सेवन सो आप इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको पहले सिक्सटीन की मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी सेवन से फिर सेवन तो इसकी मल्टीप्लाई करो सेवन से तो ये आ जाएगा थ्री जीरो टू फोर समझ में आ गया ये तो आ गया एस सी एफ एल सी एम निकाल लिया फिर वही बताओ क्या हाँ, verification, हाँ, very good. ध्यान है मेरी तरफ इसका मतलब लिखो verification, very good. बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा का फॉर्मूला जिससे पूछू बच्चा बताएगा का formula याद है किसी को ये पड़ेगी से छोड़ फॉर्मूला हाँ, हाँ बेटा शाबाश क्या फॉर्मूला होता है जी फॉर्मूला होता है जी एस सी एम इन टू में सी एम इक्वल टू में लिखा है आपको अब पुट कर लोग सर जी करा देते तो सही रहता वैसे तो हम कर लेंगे हमें सब आता है घमंड नहीं क्या हमने इस चीज का कभी लेकिन सर करा दो चलो भैया आ जाओ एस बताओ एस कितना है सिक्स है एलसीएम बताओ एलसीएम है जी हमारा थ्री जीरो टू फोर ए क्या है जी ए है फर्स्ट नंबर हमारा थ्री थ्री सिक्स है और जी बी बी क्या हमारा? 54 है हमारा फिफ्टी फोर है सो इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करोगे थ्री जीरो टू फोर थ्री जीरो टू फोर की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी आपको तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो अपना मल्टीप्लाई करो ये फोर आ गया फोर वन एट और ये तो इधर भी शायद यही आएगा मल्टीप्लाईन कर लेना मल्टीप्लाई ठीक है बेटा दोनों साइड इक्वल आएगा नोट डाउन कर लो अच्छा कर लिया बहुत बढ़िया चलिए बेटा ये हो गया तीनों पार्ट नोट कर लिया सबने अरे खत्म हो गए समझ आ गया नोट डाउन कर लो अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर तीन पे फिर से क्या पूछ रहा है फाइन एंड एस बट अब ये तीन नंबरों का अच्छा एक चीज और बता दू वो जो आपने वेरिफिकेशन किया था ना एलसीएम टू ए एंड बी वो केवल दो नंबरों के लिए लगता है इसी का यहां वेरिफिकेशन नहीं होगा यहां केवल एलसीएम वेरिफिकेशन केवल दो नंबरों का होता है जब दो नंबर हो जब तीन नंबर होता है तो वेरिफिकेशन नहीं होता केवल इसमें एलसीएम एससीएफ निकालेंगे स्टार्ट करू चलिए स्टार्ट कर दो बारह के फिफ्टीन के और ट्वेंटी से स्टार्ट हो जाओ हाँ शाबाश अरे कर भी लिया बहुत बढ़िया टू से करो सिक्स आ गया टू से करो थ्री आ गया थ्री करो वन आ गया तो बेटा ट्वेल्व के फैक्टर आया टू इंटू टू इंटू थ्री है जी फिफ्टीन करो थ्री फाइव फाइव करोगे वन फिफ्टीन के फैक्टर आ गया आप हाँ जी थ्री इंटू फाइव ट्वेंटी वन थ्री से जाएगा, सेवन सेवन वन जा तो ट्वेंटी वन के फैक्टर आ गया जी थ्री इंटू सेवन अब हमें पहले क्या निकालना बताओ एस सी एफ तो एस सी एफ क्या बताया था कॉमन हो और छोटा हो इसी का ध्यान रखना पहले कॉमन ढूंढो इसमें तो कॉमन ही एक चीज है जी कॉमन थ्री है बस तो थ्री आपका हो गया देखो ना कॉमन तीन है ना बस और कुछ तो कॉमन ही नहीं है और एलसीएम क्या बताया था पहले जो कॉमन हो वो लिखो तो कॉमन क्या है सर जी त्री सेवन बच गया तो टू का स्क्वायर फोर फोर थ्री फाइव करोगे तो सिक्सटी सिक्सटी की मल्टीपाइस फोर ट्वेंटी आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्लियर हो गया

कुछ भी नंबर कॉमन ना दिखे तो वहां लिख दिया करो जब कुछ भी नंबर कॉमन क्योंकि वन तो हर किसी में होगा ना तो वन लिख दो अब क्या, निकालूंगा? LCM, तो LCM क्या? जो पहले कॉमन है वो तो कॉमन क्या है वही आएगा तो कोई फायदा नहीं तो छोड़ दो इसको, बाकी सब लिख दोन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी नाइन है ना एलसीएम होता है ना जो पहले कॉमन हो कॉमन वन है तो वन लिखने की आवश्यकता नहीं है बाकी जो है सब लिख दोन की आप इससे ट्वेंटी थ्री से तो पहले पहलेवेंटी की 23 से मल्टीप्लाई करो फिर 29 से मल्टीप्लाई करो आएगा आपका शायद 11339. आंसर मुझे लगभग याद है चेक कर लो एक बार ये है शाबाश वेरी गुड चेक कर लो बेटा में आ गया तो पहले फैक्टर कर लिया एल से हो गया अब आते हैं बच्चों लास्ट पार्ट पे इसके थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो लास्ट पार्ट क्या है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है एट नाइन और ट्वेंटी फाइव तो चलिए फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं एट के फैक्टर करो टू फोर टू से करोगे टू टू से आ गया वन तो एट का फैक्टर आया टू इंटू थ्री यही आया ना नाइन के फैक्टर करो नाइन थ्री से करो थ्री तो थ्री जा और थ्री वन जा तो नाइन का फैक्टर आया थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव से करोगे तो फाइव हाँ तो ये भी यही आ गया जी ट्वेंटी फाइव का फैक्टर आया जी फाइव का स्क्वायर कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन तो लिख सकते हैं ना हम कोई फर्क तो नहीं पड़ता अब हम पहले क्या निकालेंगे एस सी एफ एस सी एफ क्या होता है बेटा जो कॉमन हो तो बताओ कॉमन क्या है सर जी वन कॉमन है और एल्सियम जो कॉमन हो पहले वो तो कॉमन क्या है वन वन लिख के फायदा नहीं बाकी सब लिख दो तो का क्यूब आ जाएगा थ्री का स्क्वायर आ जाएगा और फाइव का स्क्वायर आ गया का स्क्वायर तो टू का क्यूब होता है एट थ्री का स्क्वायर आपका नाइन और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी जल्दी मल्टीप्लाई करो बेटा एट की मल्टीप्लाई नाइन से करो सेवन टू और फिर सेवेंटी टू की ट्वेंटी फाइव से आ जाएगा आपका एटीन हंड्रेड समझ में आ गया इसमें केवल निकालना था तो SCF तो जो कॉमन होता है वो लिख देते हैं एलसीएम जो कॉमन हो पहले वो फिर जो बच गया वो सब उनकी मल्टीप्लाई क्लियर हो गया नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए आपको क्या है गिवन डेट आपको क्या गिवन है एस सी एफ एस सी एफ कितना फर्स्ट नंबर है इसको हम क्या लेट कर लेंगे ए फर्स्ट नंबर आपका ए होगा

थर्टी फोर तो की मल्टीप्लाई कर दो सिक्स फिफ्टी सेवन से सो so, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा टू टू थ्री थ्री एट आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्योंकि मुझे आंसर याद है मैंने डायरेक्ट लिख दिया आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ठीक है जल्दी से नोट डाउन करो से सो बेटा अब तक आपने चार क्वेश्चन कर लिए दो रूल आपको समझाया था अब मैं आपको बता रूल नंबर तीन और रूल नंबर चार ये लास्ट है चार रूल आपको समझाना है रूल आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि कल को एनसीआरटी के अलावा अगर बाहर से भी क्वेश्चन हो गए तो हम इसकेपेबल होंगे कि उस क्वेश्चन को कर सके तो रूल नंबर थ्री देखिए क्या है क्या लिखा हुआ बताइए नंबर एंड विथ जीरो अगर कोई नंबर एंड है जीरो से शून्य से खत्म है तो कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड होगा तो उसके फैक्टर में याद रखिए टू और फाइव दोनों आने चाहिए जैसे टेन टेन के फैक्टर करोगे हो टू और फाइव आएगा आप ट्वेंटी के फैक्टर कर लो लास्ट में जीरो आ रहा है आप फैक्टर कर लेना टू और फाइव जरूर आएगा आप हंड्रेड के फैक्टर कर लो आप टू के फैक्टर कर लो आप वन किसी के भी फैक्टर कर लो अगर वो जीरो पे एंड है ये 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 जीरो 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 पे है, ये भी जीरो पे है, जीरो पे है, जीरो पे एंड 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 है 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 भी भी इनके जो जीरो पे एंड होते हैं ना बेटा उनके फैक्टर में टू और दोनों होने चाहिए अगर फैक्टर में टू और फाइव आ जाए तो यस जीरो पे एंड होगा और अगर टू और फाइव नहीं आया तो जीरो पे एंड नहीं होगा क्या बोला सुना आपने नंबर एंड विद जीरो जीरो पे कौन सा एंड होगा जिसके फैक्टर में टू और फाइव दोनों होंगे याद रहेगा आपको जिसके फैक्टर में दोनों होंगे वो जीरो पर एंड होगा एक तो याद रखना है दूसरा कंपोजिट नंबर ये बहुत चौथी या पांचवी क्लास के कॉन्सेप्ट कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो जैसे सिक्स सिक्स के दो फैक्टर है टू और थ्री है ना जैसे कि फोर फोर में भी टू और टू आता है ये इन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा कंपोजिट जैसे टेन हो गया टेन के फैक्टर हो गए टू और फाइव हो गए ना

और अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए ठीक है पहले आप रूल नोट करो फिर इसके बेस पे हम अभी सारे क्वेश्चन करेंगे नोट करो आपने रूल सीख लिया अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करा है चेक वेदर सिक्स की पावर एन कैन एंड विथ डिजिट जीरो आपको कह रहा है सिक्स की पावर एन है या क्या कभी ये जीरो पे एंड होगा अगर सिक्स की पावर वन रख दें सिक्स की पावर टू रख दें सिक्स की पावर थ्री रख दें सिक्स की पावर वन थाउजेंड रख दें तो कभी क्या ऐसा पॉसिबल है

टू की पावर एन अलग हो जाएगा पहला अलग कर दो और थ्री की पावर एन अलग हो जाएगा दूसरा अलग कर दो फर्स्ट अलग कर दिया दूसरा सेपरेट कर लिया आपने फैक्टर करे आपने क्या देखा two तो आया five नहीं तो होगा हो हो क्योंकि टू आया क्योंकि और फाइव नहीं मैंने क्या कहा था कोई भी नंबर जीरो पे तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर में टू और फाइव दोनों हो यहां टू तो है बट फाइव नहीं है तो क्या लिखोगे इट ड नॉट हैव फैक्टर फाइव हैंस इट विल नोट एंड विद जीरो क्लियर है यह आपको आंसर लिख रहा, रहा? है हिंदी में लिख लो इसके गुणनखंड में पांच नहीं हैं अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्लियर हो गया हमने क्या करें सिंपल एक बात बार लो सिक्स के शिक्ष के क्या कर लिया कोई भी नंबर आ जाए ना तो क्या करोगे आप फैक्टर कर लो उसके पहला अलग कर लो दूसरा अलग कर लो सेपरेट कर दिया यहां टू आया लेकिन फाइव नहीं आया तो इसके फैक्टर में फाइव नहीं है इसलिए जीरो पैंट नहीं होगा रूल आपको ये बताया था ना कि जीरो पैंट होने के लिए टू और फाइव दोनों होने चाहिए टू तो है फाइव नहीं है तो फाइव नहीं है इसलिए जीरो पैंट नहीं होगा क्लियर हो गया नोट डाउन करो चलिए क्वेश्चन पार्ट, पार्ट दिया हुआ है हमें करना है कि ये क्यों है आपको क्या प्रूफ करना है कि ये क्यों है ये आपको प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्या है जो आपने रूल पढ़ा था तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं देखो तरीका कैसे करोगे आप

क्या आएगा 77 प्लस का वन 13 और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आया 78 देखिए कितने नंबर आ रहे हैं दो नंबर आ रहे हैं दो फैक्टर और कम से कम दो फैक्टर तो है ना तो कम से कम अगर दो फैक्टर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर तो क्या लिखोगे इट अ कंपोजिट नंबर क्योंकि कम से कम इसके दो फैक्टर तो हमें दिखाई दे रहे हैं हिंदी में लिखोगे अतः यह भाज्य संख्या है ठीक है बेटा सेकंड पार्ट देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऐसा करना है कॉमन लेके सेकंड पार्ट आपका ऐसे होगा सेकंड पार्ट देखो क्या है सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और प्लस का फाइव अब हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या प्रूफ करना है तो देखिए इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है दिखाई दे रहा है आपको फाइव दोनों में है तो फाइव कॉमन ले लीजिए फाइव कॉमन ले लिया बताओ क्या बचा सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यहां से फाइव कॉमन आ गया बाकी जो नंबर थे वो आपने लिख दिया प्लस जब आप फाइव कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा वन बचेगा फाइव अपनी जगह पर अब क्या करना पड़ेगा आपको इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कीजिए सेवन की सिक्स से फिर फोर से फिर थ्री से फिर टू से फिर वन से इन सब के आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन आ गया वन जीरो जीरो एट और प्लस का क्या बच गया वन बच गया फाइव इन इनको प्लस कीजिए वन जीरो जीरो नाइन आ गया तो कम से कम दो फैक्टर तो है ना इसके तो जिस जिसके भी कम से कम दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर तो यही लाइन आप फिर से यहां लिख दोगे कि इट इज अ कंपोजिट नंबर और हिंदी में क्या लिखोगे ये भाज्य संख्या है यही चीज आपको यहां लिखना है तो सिंपल क्या करना है स्टेप क्वेश्चन में कॉमन लेना है कॉमन ले लिया फिर जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे तो ये कम से कम दो फैक्टर आ रहा है इसलिए कंपोजिट नंबर है नोट डाउन करो चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैंने इंग्लिश में लिख दिया हिंदी में मैं आपको बोल के समझा दूंगा देयर इज अ सर्कुलर पाथ एक सर्कुलर पाथ है वृत्ताकार पथ है एक सर्कुलर पाथ है ठीक है बेटा अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड मान लो ये सोनिया है ठीक है जी इसको इस पूरे गोले को चक्कर लगाने में पूरा राउंड लगाने में बेटा 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट लगता है इसको पूरा चक्कर लगाने में ठीक आगे देखो ये तो हो गया सोनिया के लिए वन राउंड के लिए उसको 18 मिनट लगते हैं वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम जबकि दूसरा बच्चा है मान लो रवि रवि मान लो ये है रवि ठीक है जी ये रवि है दूसरा बच्चा इसको लगते हैं जी 12 मिनट सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं इस पूरे राउंड को चक्कर लगाने में आगे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ये चीज देखिए सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन एक नहीं दो नहीं तीन तीन हिंट आपको दिया हुआ है जब क्वेश्चन में सेम पॉइंट हो सेम टाइम हो सेम डायरेक्शन हो यह सब वर्ड आता है ना बेटा तो वहां हमें एल्सियम निकालना होता है याद रखोगे जब आपसे क्या पूछे सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम पूछ रहा है सेम पॉइंट uh, पूछ रहा है सेम डायरेक्शन ये वर्ड जो होता है ये हिंट है कि आपको इनका क्या निकालना है? एलसी निकालना है तो तरीका देखो कैसे करोगे पेपर में आंसर देखो लिखेंगे सोनिया सोनिया टेक्स 18 मिनट्स सोनिया द्वारा लिया गया समय लिया गया समय 18 मिनट योगे सोनिया के लिए दूसरा था रवि तो रवि टेक्स 12 मिनट्स रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट सोनिया ने कितना टाइम लिया था बेटा 18 मिनट रवि ने कितना लिया 12 मिनट एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में अब मैंने आपको क्या बताया सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होता है एल्सियम निकालना होता है एल्सियम ऑफ 18 एंड 12. आपको दोनों का एल्सियम निकालना है 18 और 12 का एल्सियम फाइंड करना है बेटा. सो 18 18 और का, और 12 12 का, का निकालना है. तो एल्सियम हम सबको आता है चलिए एल्सियम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले 18 के फैक्टर करो 18 के फैक्टर दो से करोगे नाइन थ्री से करो थ्री थ्री से करोगे वन तो 18 के फैक्टर कर लिया आपने 18 के फैक्टर कर लिए अब आप फैक्टर करो 12 के 12 के करो क्या आया 2 से करोगे 6 आएगा 2 से करोगे 3 आएगा, 3 आएगा आएगा से करोगे 1 क्लियर है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझ में आ गया दोनों का हमने फैक्टर कर लिया एलसीएम याद है ना पावर कुछ बताया था दोबारा आऊंगा एटीन के फैक्टर करे तो यह आया टू और थ्री आया बेटा टू टाइम्स और ट्वेल्व के फैक्टर का है तो आया टू टाइम्स और आया थ्री हमें क्या निकालना बेटा याद है एलसीएम मैंने कहा था कॉमन हो और बड़ा हो याद आ गया कॉमन बड़ा इतना याद रखोगे भाई साहब कमाल कर दोगे पेपर में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कॉमन हो और बड़ा हो कॉमन है और बड़ा कौन है टू का स्क्वायर कॉमन और बड़ा कौन है थ्री का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर हो गया फोर थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन और यह आ गया थर्टी सिक्स तो दोनों का एल्सियम कितना आया थर्टी सिक्स। अब आप पढ़ो पूछ क्या रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन कितने मिनट्स बाद अगर ये दोनों ऐसे ही चक्कर लगाते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे तो कितने मिनट बाद ये दोनों वापस एक ही जगह पर मिलेंगे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे तो आफ्टर थर्टी सिक्स मिनट्स ये जो एलसीएम आया ये आपका आंसर हो गया क्लियर हो गया आराम से नोट डाउन कर लो बेटा